सबसे मेन चीज कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे कैसे करके हमें आएगा। तो मीडियम जो है वो जीसीटी का पहली बात तो सिर्फ इंग्लिश है, तो कहीं को डाउट होता है कि क्या कोई हिंदी या कोई अदर लैंग्वेज भी आएगी या किसी और में भी पेपर आ सकता है, बायलिंगुअल है जी? नहीं, एक ही लैंग्वेज आनी है, वो है इंग्लिश। इंग्लिश में ही आपको पेपर आएगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यू में क्वेश्चंस आने हैं, उसी की प्रैक्टिस करो। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होएगा, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स बन गए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा, मतलब आपका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? फिर हमारे पास जो ड्यूरेशन आ जाती है एंट्रेंस टेस्ट की, वो कितनी है? वो 2 आवर्स, 2 घंटे का ये होएगा पेपर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जीसीईटी में कितने हैं? जनरल के लिए नॉट लेस देन 45%, एससी के लिए नॉट लेस देन 40%। अब 10+2 में आपको क्या कुछ है? मेडिकल ग्रुप में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, पास किया होना चाहिए। अब इसके कितने कितने आएंगे? बायो के 50 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस। मीन ज्यादातर वेटेज आपके पास बायो के आगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के मिला के जितने क्वेश्चंस और मार्क्स बनने हैं उतने अकेली बायो के हैं। तो ये हो गई भाई मेडिकल वालों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात कि बायो हमें ज्यादा आएगी। फिर अगर कहते हैं कि किसी ने 10+2 वोकेशनल स्ट्रीम या डिप्लोमा पास किया हुआ है किसी डिसिप्लिन में, तो उसके लिए ये पैटर्न रहेगा। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन, लैब टेक्निक के आपको 35 क्वेश्चन, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी अगर करा है तो उसमें ये पैटर्न रहेगा, ऑप्टोमेट्री के लिए ये रहेगा। दूसरा कोई है एनेस्थीसिया ओटी वगैरह का, तो उसके लिए ये पैटर्न रहेगा। तो अभी आपको सारी डिटेल्स जो है वो आई होप पता चल चुकी हैं, और यहाँ पे हमारे पास अब इसी के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करना। सुनी कोचिंग क्लासेस में स्पेशल बैचेस अवेलेबल हैं, जिसमें मॉक टेस्ट का जो है वो मेन बैच यहाँ पे अवेलेबल है, आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, जिसमें कि आपको मॉक टेस्ट जो है वो स्पेशली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंगली जो पैटर्न है जो है उसी के अकॉर्डिंगली डिजाइंड है, वैसे ही दिए जाएंगे। 10 मॉक टेस्ट जो है वो आपको दिए जाएंगे, जिसमें आप मतलब पेपर में एंटर करने से पहले हमारी ये सुजेशन है कि आप एटलीस्ट 10 पेपर्स तो सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करके जाओ ना। जैसा क्वेश्चन पेपर का लेवल है, पैटर्न है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपने पहले किए होंगे सेम लेवल के, तो आपको सोचो कितनी हेल्प हो जाएगी। तो उसी के लिए हमने स्पेशल कोर्स जो है वो डिजाइन किया है, जो आपके ये लिमिटेड जो टाइम इंटरवल है इसी के अकॉर्डिंगली है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ये डिस्प्लेड नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको वो पूरी डिटेल्स जो है वो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो 10 मॉक टेस्ट का बैच है, जिसमें आपको सेम वही लेवल पैटर्न रहेगा जैसा कि ये एग्जाम का रहता है। सो ये है, आई होप क्या इस वीडियो में जो भी आपकी डिटेल्स थी वो आपको मिल गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। आई होप ये हेल्पफुल रही। बाय बाय, थैंक यू।